हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट था उसमें का लास्ट है। आज देखेंगे टेस्ट एरिना पेज नंबर 8 से 11 तक मिलेगा इसमें, ठीक है। इसमें जितने प्रश्न है इसको आपको सभी प्रश्न पीछे जो एसएससी और सेल्स था उसके द्वारा बताया गया है, सभी प्रश्नों से आप जो है परिचित है, आप स्वयं इनको कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी। दो कॉलम बना हुआ है बेटा, ये आपका पेज है, आप यहाँ एक बार देखेंगे इसको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन और बाकी सब इस साइड में आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर एक स्टार्ट करेंगे। ए में लिखा है क्या, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम ए विथ द कॉलम बी, ए विथ द कॉलम बी। मतलब आपको जो है कॉलम ए से बी को मैच कराना है, ए को बी के साथ मैच कराना है। लेकिन कॉलम ए में क्या है, कॉलम ए और इधर है आपका क्या, कॉलम बी। कॉलम ए में लिखा हुआ तो कुछ इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, और इसके नीचे है इज लेस देन, इज लेस देन, और उसके बाद है इज इक्वल टू, और इस साइड में आपके जो सिंबल बना हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर ये सिंबल है आपका, और यहाँ पर जो है सिंबल बना हुआ है, ठीक है। ये आपको सिंबल के विषय में बताया गया था, कंपटीशन ऑफ नंबर जब आपको पढ़ाया गया था तो उसमें ये आपको बताया गया था। इसीलिए पहले बताया गया कि सबसे आप प्रश्न है, केवल यहाँ ध्यान देने की जरूरत है किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैच कराना है इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन का सिंबल कौन सा होता है आप जानते हैं जो इज ग्रेटर देन में जो सिंबल का माउथ है वो ओपन होता है, खुला होता है, ठीक है। जिस साइड में आपका नंबर बिग होगा उस साइड का जो है सिंबल का मुंह खुला होगा। तो आप देखते हैं कि ग्रेटर देन ए वाला आप देख रहे हैं, ए लास्ट वाला सिंबल इज ग्रेटर देन, ठीक है। इसको आप इससे मैच करा देंगे इस तरीके से, और उसके बाद जो नेक्स्ट है इज लेस देन, मतलब इज लेस देन मतलब छोटे का सिंबल, ठीक है। जिधर छोटा होता है या कम होता है उधर माउथ जो है बंद होता है, ठीक है बेटा, वो आपको ध्यान रखना है। तो इज लेस देन, जैसे माउथ बंद है इधर तो इस साइड का नंबर छोटा हो जाएगा, इधर माउथ खुला है तो इस साइड का नंबर बड़ा हो जाएगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा या कोई भी रहेगा तो वो बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम इज लेस देन से मैच करा देते हैं। और एक लास्ट बता बच्चा है, आप इसको समझ सकते हैं कि ये इज इक्वल टू है तो इसका सिंबल नहीं होगा, ठीक है। इज इक्वल टू में बताया गया था कि दोनों साइड में इक्वल मतलब बराबर जो है उसका माउथ खुला होता है, पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। तो इसको आप इसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हुआ है, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पुट द साइन करेक्टली इन ईच बॉक्स। बी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, लिखा है पुट साइन, आपको दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, तरीके से साइन आप लिखेंगे इसको, और आर इक्वल टू बॉक्स में है तो करेक्टली इन ईच बॉक्स। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया गया है कि यहाँ पर ये बात बात बना है यहाँ पर, और फाइव के बाद सिक्स एट फोर टू एट, इस तरीके से ये बात बना हुआ है। हमने एक साइड का बनाया है नंबर ऑफ कंपैरिजन में, आपको इस तरीके का क्वेश्चन बता दिया गया है। आप इससे पहले पढ़ते थे, हम एक बार देखेंगे थोड़ा सा, इसमें जो साइन लगा हुआ है इसमें कौन सा साइन कहाँ जो है फिट होगा, वहां पर उसको जो है आप ठीक करेंगे। जैसे आप देखते हैं सेवन क्या है, फाइव से ग्रेटर ग्रेटर है, मतलब सेवन इज ग्रेटर देन फाइव, तो यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल आप देखिए, हम लोग मैथी वाले में ग्रेटर देन का सिंबल है, जिधर का वैल्यू बिग होता है उधर जो है माउथ ओपन हो जाता है, तो सेवन इज ग्रेटर देन फाइव को बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ सिक्स इज लेस देन एट, जो कि सिक्स का वैल्यू एट से लेस है, तो आप लेस देन का सिंबल है माउथ, उस टाइप में जो है बंद हो जाएगा, ठीक है, माउथ बंद हो जाएगा। तो जिधर माउथ बंद होता है उधर का जो नंबर होता है या वैल्यू होता है वो कम होता है। अब नेक्स्ट देखिए, फोर इक्वल फोर इज ग्रेटर देन टू, यहाँ फोर जो है ग्रेटर देन टू है, मतलब टू से बड़ा है, इसलिए सिंबल आएगा। और यहाँ देखने दो दो क्या है एट है, तो एट इज इक्वल टू एट, मतलब यहाँ इक्वल टू का साइन इस तरीके से चला जाएगा। इसी तरीके से ये बॉक्स में और दिया गया है क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते बेटा, राइट द सक्सेसर नंबर, क्वेश्चन नंबर सी है का राइट द सक्सेसर नंबर। सक्सेसर नंबर आपको लिखना है, किस नंबर का लिखना है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे लिखा है टू, मान लीजिए यहाँ फोर है, फाइव है, एट है, कुछ भी नंबर हो सकता है, सक्सेसर नंबर आपको बताया गया था टू। ये क्वेश्चन आपको पहले से पता है कि सक्सेसर नंबर जब हम किसी नंबर का फाइंड करते हैं तो उस नंबर के वैल्यू में वन प्लस कर देते हैं या वन मोड कर देते हैं, ठीक है, एक उसमें जोड़ देते हैं। तो इसका सक्सेसर नंबर आपको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, टू में वन प्लस करेंगे बेटा, इस तरीके से टू प्लस वन इक्वल टू क्या आएगा थ्री, थ्री क्या होगा आपका सक्सेसर नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फोर का सक्सेसर नंबर फाइंड करना है, फोर प्लस वन इक्वल टू फाइव, तो ये फाइव का सक्सेसर नंबर, ठीक है, फाइव का सक्सेसर नंबर क्या होगा, तो फाइव प्लस वन इक्वल टू सिक्स, सिक्स क्या होगा इसका सक्सेसर नंबर होगा। उसी तरीके से बच्चों एट का सक्सेसर नंबर क्या होगा, नाइन, ठीक है, एक में वन प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सक्सेसर नंबर क्या होता है, दूसरे शब्द
जस्ट आफ्टर नंबर होता है, किसी भी नंबर का प्रोसीजर नंबर, उस नंबर का जस्ट आफ्टर नंबर आप राइट करेंगे वो प्रोसीजर नंबर हो जाएगा, या फिर उस नंबर में गिवन नंबर को आप प्लस कर देंगे वन मोर कर देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर डी है बेटा, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर कर सकते हैं आप यहाँ। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, इसके ठीक जो है पहले क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए नाइन, यहाँ पर सेवन, यहाँ पर टू, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने नंबर लिया है बुक से, याद करेंगे स्वयं। ठीक है, तो जस्ट बिफोर नंबर लिखना है, मतलब ठीक पहले आने वाला नंबर, तो हम क्या करते हैं, दो नंबर जिस नंबर का जस्ट बिफोर नंबर लिखना है ना, उसमें से वन लेस कर देते हैं। ठीक है, तो थ्री है तो हम थ्री माइनस वन कर देंगे बेटा, तो हमको क्या मिलेगा, टू। टू क्या होगा, थ्री का जस्ट बिफोर नंबर हो जाएगा, हम लिखेंगे टू। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू आप थ्री कर सकते हैं इस तरीके से। नाइन का जस्ट बिफोर नंबर लिखना है, तो आप नाइन माइनस वन आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, नाइन का जस्ट बिफोर नंबर। इसी तरीके से सेवन का जस्ट बिफोर नंबर क्या हो जाएगा, सेवन माइनस वन इक्वल टू सिक्स। सिक्स क्या होगा, सेवन का जस्ट बिफोर नंबर। सेम उसी तरीके से बच्चों, टू माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, वन जो है टू का जस्ट बिफोर नंबर। इस तरीके से आप जस्ट बिफोर नंबर वाले क्वेश्चन को करेंगे, मतलब ठीक पहले आने वाला नंबर, जो नंबर दिया रहेगा उसमें से वन लेस करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में बच्चों, व्हाट कम जस्ट आफ्टर, केवल बिफोर की जगह हो गया है आफ्टर, बिफोर की जगह क्या होगा आफ्टर, यहां पर चेंज कर रहे हैं बच्चों। ए व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, मतलब इसके ठीक बाद क्या आएगा, कौन सा नंबर है, यहां पर कोई नंबर ले सकते हैं, फोर, सेवन, थ्री एंड टू, ये नंबर हमने ले लिया। ठीक है, आपके आपके बुक से नहीं है, हमने अपने तरफ से लिया है, बुक का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। फोर का जस्ट आफ्टर नंबर लिखना है, तो जस्ट आफ्टर नंबर जब हम राइट करते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं, वो जो गिवन नंबर होता है उस गिवन नंबर में हम वन प्लस कर देते हैं। जैसे फोर है तो फोर प्लस वन करेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, फाइव। ये फाइव आ गया, फाइव क्या होगा, फोर का जस्ट आफ्टर नंबर होगा, तो फोर के ठीक बाद आने वाला नंबर फाइव होगा, तो हम यहाँ फाइव लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से सेवन का जस्ट आफ्टर नंबर लिखना है, तो सेवन प्लस वन आ जाएगा एट, एट क्या होगा, सेवन का जस्ट आफ्टर नंबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए। नेक्स्ट क्या करेंगे, थ्री का है थ्री प्लस वन, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा थ्री प्लस वन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फोर, तो फोर क्या होगा, थ्री का जस्ट आफ्टर नंबर। ठीक, नेक्स्ट है सी टू, टू
का जैसे आप तक नंबर क्या होगा, 2+1 2+1 करेंगे तो क्या आएगा उसके यहाँ बी। इस तरीके से ये जो नंबर बन रहा है क्या बन रहा है, जस्ट आफ्टर नंबर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर का जस्ट आफ्टर नंबर लिखना है तो उस गिवन नंबर में 1+ कर देते हैं, ठीक है। और हमको जो है उस नंबर का जस्ट आफ्टर नंबर फाइंड करना है। नेक्स्ट नंबर है बच्चों व्हाट कम्स बिटवीन, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर यह व्हाट कम्स बिटवीन, व्हाट कम्स बिटवीन, इसका मतलब इसके बीच में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका 1, 3, 4, 6, 8, 10, 3, 5 इस तरीके से नंबर आपको दिया रहेगा। व्हाट कम्स बिटवीन जब पूछेगा तो दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर आएगा इसके बीच में, ठीक है। तो आपको ये लिखना है यहाँ, लेकिन 1 और 3 के बीच में क्या आता है, आप काउंटिंग नंबर आपको बताया गया है 1 से लेकर 100 तक। आप जब 1 से स्टार्टिंग करेंगे काउंट करना, ठीक है, एकदम सिक्वेंस में, तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 क्या होगा, 2 यहाँ पर देखिए 1, 2, 3। अगर इस तरीके से हम लिखते हैं बेटा तो ये जो 2 है ये क्या होगा, 1 और 3 के बीच में नंबर होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर देखेंगे 4, 4 से स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस में पढ़ेंगे 4, 5, 6। तो आप यहाँ देख रहे हैं 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है बच्चों, 5। तो हम यहाँ सेम तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस भी पढ़ेंगे, आप 8 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 8, 9, 10। तो आप देखिए बच्चों कि 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर यहाँ पर आया आपको 9, तो 9 आप यहाँ पर इस तरीके से फिल करेंगे। और लास्ट बच्चों 3 यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे 3, 4, 5 है, तो 3 और 5 लिखने में कौन सा नंबर दिख रहा है 4, तो ये 4 जो है यार यहाँ पर। तो बिटवीन नंबर लिखना बहुत आसान है, केवल आपको काउंटिंग नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर एक तरफ से सीरियल से इसको आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा उसके बिटवीन में कौन सा नंबर है। एक टेस्ट एरिना का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा पेज नंबर 11 पर दिया है आपका मेंटल मैथ एक्टिविटी, ठीक ना, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक गणित से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मैथ से, ठीक है। ये आप देखेंगे ध्यान से इसको देखेंगे बेटा, ठीक है, अभी हम इसको पढ़कर समझा दे रहे हैं थोड़ा सा आपको। इसमें लिखा है बच्चों अंकुर वांट, अंकुर चाहता है टू विजिट देवी टेम्पल, जो देवी जी का मंदिर है वहां घूमने जाना चाहता है कौन, अंकुर। फिर लिखा है बेटा ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है प्रॉपर वे, सही रास्ता, उचित रास्ता वो नहीं जानता है, उसको सही रास्ता या उचित रास्ता पता नहीं है कि किस रास्ते से वो जाए कि मंदिर में आसानी से वो पहुंच जाए। तो आगे लिखा है जो एंड ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी हेल्प हिम, उसकी सहायता करता है, एंड गिव और उसे देता है, गिव हिम और उसे देता है, क्या देता है, एक नंबर बोर्ड, एक बोर्ड देता है जिस पर नंबर लिखा रहता है। देख देखिए आप फिगर में देखेंगे तो बच्चा लिया है
एक बोर्ड लिया है जिस पर 9 लिखा है, ठीक है, नंबर बोर्ड ही है, नंबर बोर्ड देता है और क्या कहता है, द ओल्ड मैन से वो बूढ़ा आदमी कहता है, क्या कह रहा है उसे, कि इंटर ओनली दो गेट, कि उन गेटों से आपको उसमें प्रवेश करना है, इंटर करना है, ठीक है, इसमें गेट बने हुए हैं, उन्हीं गेट से आपको प्रवेश करना है अंदर, विच हैव स्मॉलर नंबर देन द बोर्ड नंबर, बोर्ड पर जो नंबर लिखा है उससे वो नंबर छोटा होना चाहिए, कौन सा नंबर छोटा होना चाहिए, गेट का नंबर, ठीक है, उस गेट का नंबर बोर्ड के नंबर से छोटा होना चाहिए, उसी से आपको अंदर घुसना है, मतलब प्रवेश करना है, इंटर करना है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटा कि 9 से छोटा वाला गेट आपको चूज करना है और उसी से इंटर करना है, कौन से गेट से आप जाएंगे कि जल्दी भी पहुंच जाएंगे और आसानी से आप जो है डेविड टेम्पल के पास पहुंचेंगे। तो आप देखेंगे 4 नंबर गेट से जाएंगे, 3 से आप जाएंगे, 4 के बाद 3 में जाएंगे, 3 के बाद आप 2 में जाएंगे, 4-3-2, ध्यान देंगे 4-3-2, ये आपका वे है, रास्ता है, और दूसरा रास्ता आप जाएंगे तो सीधे इधर से राउंड करते हुए आप 3 से इंटर करेंगे, गेट नंबर 3 से इंटर करेंगे, ठीक है, बाहरी वाला जो गेट है इधर कार्नर में गेट नंबर 3 से इंटर करेंगे, फिर यहाँ आएंगे और फिर इंटर करना होगा, और फिर उसके बाद गेट नंबर 2 से इंटर करेंगे और टेम्पल में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सबसे शॉर्टकट वाला कौन है, 4-3-2 आप ध्यान से देखेंगे और उसको आप मैच करा लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये अपने से करना था। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडिशन अप टू 10, ठीक है, ऐड करना हम लोग सीखेंगे 10 से नीचे, मतलब 1 डिजिट के नंबर का, 1 डिजिट के नंबर का ऐड करना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।